देख रहे हो सांझ टीवी न्यूज पोर्टल। करीब 10 दिन पहला फिलौर के नेड़े पैंदे गन्ना पिंड विखे 13 साल मासूम बच्ची नाल होए गैंगरेप च हुण तक आरोपी ना फड़े जाण दे रोस वजो परिवारिक मैंबरां ते पिंड वासियां वल्लों डीएसपी दफ्तर दे बाहर धरना लगा के पुलिस प्रशासन खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। इस मौके पीड़ित लड़की दे पिता ने दस्या कि 10 दिन बीत जाण तों बाद भी पुलिस ने किसी भी आरोपी नूं गिरफ्तार नहीं किया, जिस दे रोस वजो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। मेरा नाम शिंदू है जी, पिंड गन्ना पिंड है जी। एक बच्ची का रेप होया सी, मेरी बेटी का रेप होया सी, जिन्हां ने चौं मुंडिया ने किया सीगा। उहदे विच इन्हां मुंडिया की कोई रिश्त नहीं पाई। उन्होंने विच एक जनानी रेशमो जी जिहड़ी फड़ी आ, अज 7 दिन हो गए जी, उहदी कोई रिश्त नहीं पाण डे। उहदी शह नाल इह काम होण डिया जी, उहने इह काम करवाया जी। हुण इह एस एच ओ साहब आए सीगे, उन्होंने कहता भी असीं रेशमो दी रिश्त पा के जेले भेज दिंदे जी, वो असीं हुण धरना चलांगे। होर आ जी विक्की है जी, एक बंटी है जी, बस इन चारा मुंडिया का रोला जी। ये आ रेशमो पंजी है जी, ये शह देने वाली है जी, इन्हें काम करवाया। हुण काम लगे रिश्त पाउण लगे जी, हुण जेले भेजण लगे। उधर मौके ते पहुंच के फिलौर दे थाना मुखी ने धरनाकारियां नूं भरोसा दिता कि पुलिस जल्द ही आरोपियां नूं गिरफ्तार करके उन्हां नूं जेल च बंद करेगी। परचा दर्ज होया सी 376 दा, जो मदेई आए ने इकट्ठे हो के, जिन्हां दे कोई धरने वाली कोई गल नहीं, उन्हां दी कुछ मंगा सी जो असीं पूरी कर दित्तियां गईआं ने, जिस ते अगली कार्रवाई कर रहे ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਲਈ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੰਗਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ।